में जो भी आप दिखाई दे रहे हैं विकास के नाम पर, ये समाजवादी पार्टियों के नेताओं की देन है। चुनावी मैदान वो जीते, सैपर कौन मिलने जाएगा, रेल का नेता होगा, रात में जाएंगे कुंडी खटकाएंगे मिल जाएंगे। आप कहते नहीं किसान को दुगनी आय कर दी है, ये किस्ता की नहीं रखी है, गरीब मर रहा है, टमाटर नहीं तो धनिया नहीं खरीद पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज, मैं हूं रोहित गोयल। इस समय हम मौजूद है उत्तर प्रदेश में, हमारे खास कार्यक्रम उपचुनाव उत्तर प्रदेश में माहौल टाइट है में हम पहुंच चुके हैं इस समय उत्तर प्रदेश की करल विधानसभा सीट पर। इस सीट पर क्या जातीय समीकरण है, क्या यहाँ के वोटरों के मुद्दे हैं, उम्मीदवारों से भी बात की जाएगी, दोनों से सवाल किए जाएंगे। इस समय हम उस इंटर कॉलेज में मौजूद है, ये जैन इंटर कॉलेज है जहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुख्य संस्थापक मुलायम सिंह यादव खुद पढ़ा करते थे, जिसके बाद वो प्रोफेसर बने, वो यहाँ पढ़े भी और उन्होंने यहाँ पर लोगों को पढ़ाया भी। आप हमारे कार्यक्रम में बने रहिए हमारे साथ, कैंडिडेट से भी बात होगी, लोगों के भी मुद्दों की बात होगी। क्या जब चुनाव के लिए वोट देने जाएंगे क्या मुद्दे रहेंगे? इस बार तेज प्रताप यादव जी अखिलेश के भतीजे हो चुनावी मैदान में, चुनावी मैदान वो जीते, वही जीतेंगे। आपको क्या लगता है 20 तारीख को वोटिंग है, क्या मुद्दे हैं करल की जनता के? सर अभी तो हमने कोई प्रचार देखा नहीं है, अभी तक हमने हमें इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 20 तारीख को यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, जिसके चलते 20 तारीख को वोटिंग हो। अब तेज प्रताप जी जो अखिलेश यादव जी के भतीजे हैं वो चुनावी मैदान में हैं, लेकिन ये लड़ाई परिवार का नाम परिवार हो गई है, तेज प्रताप के फूफा को बीजेपी ने उतार दिया है। तो क्या लगता है इस बार क्या जनता के चुनावी मुद्दे हैं, किसके तरफ रुक रहा है अखिलेश की तरफ ज्यादा लगते हैं, अखिलेश को जाना पसंद करते हैं। 20 तारीख को वोटिंग है, किसको वोट देंगे, क्या कारण है बीजेपी को वोट देने का? ऐसा है समाजवादी वाले परिवार वार करने में कोई नीति नहीं डालता है, विधानसभा के नीति किसी को जो आप परिवार वार में दे रहे हैं, 2027 के लिए आपने अपनी बेटी तैयार कर ली, करने में कोई नीति नहीं है, कौन नहीं है आप किताब की सब किताबों में ले जा रहे हो, सब आप किताबों में ले जा रहे हो, करेल वाले क्या करें, सैपर कौन मिलने जाएगा, करेल का नेता होगा रात में जाएंगे कुंडी खटकाएंगे मिल जाएंगे, सैपर कौन जाएगा मिलने, बदलाव के लिए बदलाव बीजेपी की तरफ जाएगा, रूपा जी आएंगे तो जहाँ तेजू भैया आएंगे वहाँ पर एक शख्स ऐसे भी है जिन्होंने हमें कहा वो बीजेपी को वोट देंगे, पर इस बार रूपा जी आएंगे। अब से लगातार यहाँ पर हमारी चर्चा लोगों से जारी है, लोगों से लगातार मुद्दे उनके जानते रहेंगे, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या रुख है। मैडम 20 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, 20 तारीख को अब यहाँ पे उपचुनाव के लिए वोटिंग है, क्या करल की जनता के महिलाओं के मुद्दे हैं? वोट देने जाएंगे, आप वोट देने जाएंगे, किसको वोट दिए, किसको देंगे भैया? अच्छा, 20 तारीख को वोटिंग है, अब करल के उपचुनाव के लिए क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर वोट देने जाएंगे? जीत जाए तो जीत जाए, पार्टी जाएगी तो लगातार जो जनता के मुद्दे हैं वो जारी है। क्या लगता है 20 तारीख को यहाँ पर उपचुनाव के लिए वोटिंग है, वोटिंग में यहाँ करल के लोगों की क्या समस्या है जिसको ध्यान में रखते हुए वोट? समस्याएं तो साफ बहुत है, लेकिन बात कही है ना, ये बीजेपी की जब से सरकार आई है ना, यहाँ करल में तो कुछ किया नहीं, पहले भी नहीं किया, और जब से 10 साल बिता दिए सरकार, 10 साल होने वाले हैं वो कुछ नहीं करते हैं, खाली क्या है इनका जो भी एजेंडा चलता है, विज्ञापनों पे चलता है, जो भी चलता है हवा हवा ही चलता है, इनका जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। और करैल में जो भी आप दिखाई दे रहे हैं विकास के नाम पर, ये समाजवादी पार्टियों की नेताओं की देन है, अखिलेश की देन है, जो आज हाईवे निकला हुआ है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ये अखिलेश की देन है, नेताजी की मुलायम सिंह की देन है, मतलब करैल के ओर पास जो भी विकास दिखाई देखा वो सब समाजवादियों का देन है। लगातार हमारी जनता से बातचीत जारी है भैया, बस चलाते हैं,
पूरा दिन यात्रियों की आपकी बस भरी रहती है, क्या लग रहा है 20 तारीख को मीटिंग है करल में, क्या सुना दूँ? साइकिल देते, साइकिल में वोट देंगे आप? अरे जनता का क्या दुख है, जनता का साइकिल में ही है। शरण के लोगों की समस्या की बात की जाए, क्या समस्या है? क्या तो बहुत है लेकिन क्या बताएं, टाइम नहीं है। वोट किसको देंगे? साइकिल में। अच्छा 13 की जगह 20 तारीख को कर दी गई है, बढ़ाया जाऊंगा। अब क्या लगता है करल को क्या चुनावी मुद्दे हैं? करल तो गए जीते अगले दिन। करल की समस्या की बात करी जाए तो क्या समस्या है? करल तो गए ही ना, तो कोई आई नहीं। क्या सोच कर वोट करेंगे इस बार? तो क्या सोच कर वोट करेंगे ये बताइए। क्या बताएं भैया, ये बताइए इस बार 13 की जगह 20 तारीख को वोटिंग है, क्या मुद्दे रहेंगे करल की जनता की अगर समस्याओं की बात की जाए? क्या सोच कर वोट करेंगे? यहाँ टोटल कहोल यादवगढ़ है और पूरे भारत के, यहाँ पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, मोदी जी को ढूंढने से प्रत्याशी नहीं मिलेगा कहीं लड़ाने के लिए। 50 साल क्या, 100 साल क्या, अगर सेपई से बच्चा भी खड़ा हो जाएगा तो वो भी जीतेगा। किसी की माई लालम ताकत नहीं यहाँ से हरा सके। झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमले, 400 मारे आए पाकिस्तान में, कौन सा 400 मरी किसी ने देखी हो? हमारे जवान मरे, दुनिया ने देखा। आपका कौन सा बच्चा खाना उसमें है, फौज में, मिलिट्री में, कहीं भी, किसी भी जगह? या फिर आप कहते हो हमने ये कर दिया किसान के लिए, 50 गले का कच्चा 45 रुपये का कर दिया है, 70 रुपये डीजल वाला, 100 रुपये डीजल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, डीएपी के लिए मूड फूट रहा है। आप कहते नहीं किसान को दुगनी आय कर दी है, ये किस्ता की नहीं रखी है? गरीब मर रहा है, टमाटर नहीं, तो धनिया नहीं खरीद पा रहा है, तो धनिया फ्री में मिल जाता था, वो 10 रुपए का धनिया नहीं दे रहा है बनियों। बताइए किसान क्या करेगा सर? यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ टोटल गाना पूरे भारत के अंदर, अभी तो सेते से आई, अभी बस सुपड़ा साफ हो जाएगा भारत से। अच्छा क्या लगता है, क्या करल के चुनावी मुद्दे हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या सोच कर? भैया मुद्दा का यहाँ तो बिल्कुल सुपड़ा साफ है, यहाँ कुछ है ही नहीं, नाम ही निशान नहीं है। सब दुनिया ढूंढ रही सब उन्हें कोई नातेदार मिलो भाई, खेती ले आए, अब आज तो सुन रहे हैं फिर कन्नी रेट बदलो जा रहे हो, वे परे हैं हाय भाई, वे तो बिल्कुल ऐसे नहीं आ रहे, बिल्कुल रजाई ओढ़ के जाए, जितने की माला परे जमाने चलो तुम। किसी समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आंख नाक कान कहे जाने वाले हिंदू वाहिनी सेना के अध्यक्ष सुनील सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। परिचय के आप मोहताज नहीं है, गमछा दिख रहा है, आप समाजवादी पार्टी में आप आ गए हैं, करल विधानसभा पे कैंपेनिंग चल रही है, क्या करल के मुद्दे हैं, किस तरह की चुनावी आवाज सुनिए? करल तो समाजवादी पार्टी का घर है, यहाँ तो और पार्टियों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, आप जनता के बीच में जा रहे होंगे, हम लोग जा रहे हैं, जिससे वोट मांग रहे हैं वो कह रहा आप हमसे वोट मत मांगिए, हम तो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं, गांव का गांव यहां चुनाव लड़ रहा है, मौजे का मौजे चुनाव लड़ रहा है, पूरा विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, कह रहा हम तो खुद ही उम्मीदवार हैं, यहां का एक एक बच्चा उम्मीदवार है, एक एक बच्चा तेज प्रताप यादव बनकर के चुनाव लड़ रहा है, और यहां का चुनाव तो बड़ा दिलचस्प चुनाव है, एक तरफा चुनाव कहीं कोई नहीं है, रिकॉर्ड मतों से तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो बीजेपी ने इस बार लड़ाई को परिवार बनाम परिवार कर दिया, यादव बनाम यादव, चाचा वर्सेस भतीजा, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो यादव वोटर है, जो सीट पर बाहुल्य स्थिति पर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सेंध मारी हो? कहीं नहीं, बीजेपी के पास तो यहाँ उम्मीदवार ही नहीं था, उम्मीदवार बड़े मुश्किल से खोजने पे मिला, बड़ा मान मनोवर करने पे उम्मीदवार मिला बीजेपी को, और बीजेपी के पास उम्मीदवार ना होने के नाते चुनाव एक तरफा, अगर उनके पास उम्मीदवार होता, अगर उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता जो यहाँ से चुनाव लड़े, तो आखिर ये इस तरह की उम्मीदवार कैंडिडेट को क्यों खोजते, क्यों ढूंढते, ये कैंडिडेट को ढूंढ करके निकाले हैं, तो उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई भी मतलब नहीं है चुनाव लड़ने का। तो सीधे आपने सुना सुनील सिंह जी को, जिनका यही कहना है कि भाजपा के पास यहाँ पर कोई स्थानीय उम्मीदवार ही नहीं था, जिसकी वजह से परिवार की तरफ से इस उम्मीदवार को उतारा गया है, और करल में जो सुनील सिंह जी का कहना है कि एक तरफा हवा है, समाजवादी पार्टी अच्छे बहुमत के साथ यहाँ पर जीतती नजर आ रही है। कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, करल।